तो गाइस तो शुरू कर दिया आज का वीडियो। मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं पिपिटेक। दोस्तों अगर आपको सीखनी है टाइपिंग और आपको बनाना है अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना जरूर। दोस्तों हो क्या रहा है, आजकल काफ़ी एग्जाम्स है और एग्जाम्स तो ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें हमें टाइपिंग की एग्जाम देनी पड़ती है दोस्तों। और लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे टाइपिंग कोर्सेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना काफ़ी जगह लॉकडाउन नहीं खुले और कहीं कहीं खुल गए हैं और बाहर जाना सेफ भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा अपने फ़ोन को ही अपने फ़ोन में कीबोर्ड की मदद से कैसे टाइपिंग करें। तो दोस्तों ये है हमारा मोबाइल और ये है हमारा कीबोर्ड और इसमें दोस्तों हमारे को मिलता है माउस। दोस्तों मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कीबोर्ड और माउस अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करें और कैसे आप टाइपिंग आसानी से अपने घर पे सीखें। तो दोस्तों इस वीडियो को कर देना लाइक और कर देना सब्सक्राइब और ऐसे ही टेक के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। और आपको किस के बारे में वीडियोस चाहिए हमें बताना ज़रूर, तो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों कीबोर्ड और माउस अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करने से पहले और अपने मोबाइल को एक कंप्यूटर बनाने से पहले हमको सबसे पहले एक ज़रूरत है दोस्तों, हाँ इसकी। दोस्तों ये है एक क्वांटम यूएसबी हब। दोस्तों अगर ये नहीं होगा तो आप सिर्फ अपने मोबाइल के साथ माउस और कीबोर्ड में से कोई एक ही कनेक्ट कर सकोगे। और उसके साथ चाहिए हमें एक मोबाइल होल्डर और ये है मेरा मोबाइल होल्डर। दोस्तों हम इस पे रखेंगे मोबाइल और मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे यूएसबी हब और यूएसबी हब के साथ इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे हमारे माउस और हमारा कीबोर्ड। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो आखिरी तक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाइस हमें चाहिए एक OTG केबल जो 20-30 में मिल जाती है, उसी के साथ में हमें चाहिए एक यूएसबी हब। दोस्तों ये हब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है दोस्तों, जब हमें कीबोर्ड और माउस अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना हो तो दोस्तों ज़रूर क्वांटम का ही यूज़ कीजिए क्योंकि क्वांटम के यूएसबी हब काफ़ी अच्छे होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो दूसरे यूएसबी हब होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। तो दोस्तों यूएसबी हब लेकर हमें क्या करना है दोस्तों, तो हमें एक OTG किन के साथ हमें ये कनेक्ट करना है। अगर आप इसके हब के बिना भी कर सकते हैं लेकिन हम माउस या कीबोर्ड में से दोनों में से कोई एक ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों कनेक्ट करने के लिए हमें यूएसबी हब की ज़रूरत है। दोस्तों ये है मेरा माउस इंटेक्स का और मैं डालता हूँ इसकी यूएसबी पिन इस पोर्ट में, तो आप देखिए मैं डाल दिया हूँ। दोस्तों आप देखेंगे लाइट फिट आती है कि नहीं, तो दोस्तों अभी भी इस माउस में कुछ भी लाइट नहीं आया है, तो मैं फिर से देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूएसबी हब निकाल के यहाँ पे देखता हूँ कोई नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों मुझे क्या करना होगा, जो मेरी OTG केबल है उससे पहले मैं यूएसबी पिन निकाल के उस पोर्ट दूसरे पोर्ट में डाल के दूंगा, लेकिन अभी भी नहीं आया। तो हमें क्या करना होगा, OTG केबल निकाल के हमें दूसरे OTG केबल में डालना होगा। उससे क्या होगा, हमारी लाइट आ चुकी है दोस्तों, लेकिन लाइट आ गई है लेकिन अब जो कर्सर है अभी भी नहीं आया है। तो दोस्तों मैं आपको दूसरे मोबाइल के साथ करके दिखाऊँगा यही। तो गाइस मैंने कर दिया है मोबाइल चेंज और जो इससे पहले मोबाइल था वो दूसरा मोबाइल था दोस्तों, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो देखते हैं ये मोबाइल कनेक्ट होता है कि नहीं। और ये है OTG केबल टाइप सी है दोस्तों, तो इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको कर दिया है OTG केबल कनेक्ट और अब करते हैं हम इसको कनेक्ट एक यूएसबी हब। दोस्तों हो गया यूएसबी हब कनेक्ट और आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि ये है माउस, तो इसकी वायर मेरे पास है तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर डालता हूँ हब में, हब के अंदर। तो गाइस ये देखिए लाइट आ गई है और कर्सर भी यहाँ पर मैं आपको हिला कर दिखाऊंगा। कर्सर एक बार आया था दोस्तों, आने के बाद फिर से कहीं पे तो चला गया, कहाँ गया। इसको करते हैं रिमूव और फिर से लगाते अंदर। देखो दोस्तों कर्सर आ गया है, कर्सर आ गया है दोस्तों।
और ये देख सकते हैं आप कर्सर, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ये देखिए यहाँ पर कर्सर ऊपर में कैमरे के पास, ये देखिए कर्सर, और मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ और मैं अभी करता हूँ इसको ऊपर, देखिए, और ये देखिए कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कर्सर तो आ गया, ये देखिए और नीचे करता हूँ, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कर्सर आ गया है दोस्तों, और इसको करता हूँ मैं पुट बैक, हो दोस्तों कर्सर तो हो गया है कनेक्ट। अब बारी है कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड हुआ, हाँ यार दोस्तों आ गई है नोटिफिकेशन, आप देखिए यहाँ पर कीबोर्ड, कीबोर्ड में लाइट आ चुकी है, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा इसमें टाइपिंग। तो गाइस ये है हमारा कीबोर्ड, और इसको करते हैं हम रोटेशन मोड्स पर, क्योंकि मोबाइल रोटेट नहीं हो रहा है, तो हो गया दोस्तों मोबाइल रोटेट, और हम करेंगे इसमें टाइपिंग। आप देख सकते हो मैं टाइपिंग करके यहाँ से आपको सेंड करके दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों टाइपिंग आपको दिख रही है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ अभी देखिए दोस्तों, ये देखिए ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ पर करता हूँ टाइपिंग, और आप मोबाइल में देखिए, ये देखिए, सॉरी सॉरी आ गए हम बैक, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों टाइपिंग तो हो रही है, ये देखिए, और कर्सर, कर्सर भी आप देख सकते हो, ये देखिए कर्सर, ये देखिए कर्सर, ये देखिए कर्सर, काफ़ी पापड़ बेलने पड़े दोस्तों। ये देखिए कनेक्ट हो गया हमारा कीबोर्ड हमारे मोबाइल के साथ, और हम यहाँ पे करते जा रहे हैं टाइपिंग, और यहाँ से कर देंगे हम सेंड। तो दोस्तों हम ऐसे ही टाइपिंग अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और माउस भी कनेक्ट कर कर हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ मोबाइल में सपोर्ट होता है और कुछ मोबाइल में सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल में सपोर्ट होता है दोस्तों। तो प्लीज़ चेकआउट करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसी के साथ में बेल आइकन दबा के ऑल कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लोगों का नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को कर देना लाइक। तो आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में।